मेरे को तो बहुत खतरनाक साउंड आ रहे हैं। ZX10 अरे भाई क्या है? Oh my God! तो गाइस आज का व्लॉग मैं फेस कैम से शुरू नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी घर पे नहीं हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा आगे चलते चलते। बाय द वे मैं आपको बता दूं, बारिश दिल्ली में बड़ी खतरनाक वाली हो रही थी एंड मैंने घर पे कॉल किया था वहाँ पे भी बारिश, मतलब इस बार ऐसा सीन नहीं था कि दिल्ली में बारिश और यूपी में बारिश नहीं थी, इस बार हर जगह बारिश हो रही थी, हिमाचल तक बारिश हो रही थी। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके एरिया में बारिश हुई या नहीं। एंड मैं आपको बता दूं गाइस यहां से मेरे को जाना है अराउंड 15 किलोमीटर मेरे को इसलिए जाना है, जो साथ में छोटा भाई है इसको छोड़ना है। वो किसके साथ छोड़ूंगा मैं आपको रास्ते में बता दूंगा चलते चलते ही। इस वाले रोड पे मेरे को आज तक ट्रैफिक नहीं मिला और यहाँ पे आज ट्रैफिक है, बिकॉज जब जल्दी होती है ना भाई उस दिन तो ट्रैफिक मिलता ही है। बस यार दुआ करना कि आगे ट्रैफिक ना मिले, अगर आगे ट्रैफिक मिल गया तो आज बहुत खतरनाक सीन होने वाला है मेरे साथ। तो जब मैं दिल्ली में आया था तो मेरे साथ मेरा भाई था बड़ा वाला भाई, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको मैंने घर छोड़ दिया था एंड अब छोटे वाले भाई को ले गया था इसलिए बिकॉज इसकी छुट्टी पड़ गई थी स्कूल की, तो इसको मैं साथ में लेकर गया था। तो अब इसको भी वापस जाना पड़ेगा बिकॉज छुट्टी कंप्लीट हो चुकी है, एक दिन एक्स्ट्रा ही हो गया बिकॉज कल बारिश हो गई थी इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया था इसको वहां पे कश्मीरी गेट तक। अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमारा जो मोहल्ला है ना, हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, वहां से दो बंदे आए हुए हैं, दो बंदे नहीं मतलब हमारे दादा के भाई, मतलब उनके फ्रेंड, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ ही चला जाएगा, साथ में चले जाएगा तो इसको भी दिक्कत नहीं होगी, इससे पहले कभी भी ये अकेला नहीं गया इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये अकेला ना जाए, तो इसको साथ मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी, मेरे को बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलेगी। सीरियसली गाइस उनके कॉल पे कॉल आ रहे हैं एंड के बाद में बताऊंगा, अभी मैं भूल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। अब आप लोग बोलोगे कि जिन्नू भाई आपको पहले ही चलना चाहिए था, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं बहुत जरूरी वीडियो एडिट कर रहा था। देखो भाई कभी भी स्पॉन्सर आ जाता है ना तो उनको वीडियो टाइम से देना पड़ता है, अगर वीडियो टाइम से नहीं देंगे तो डील कैंसिल हो जाता है। तो मैंने वीडियो को शूट तो कर लिया, बस जाने के बाद एडिट करना है। तो दिल्ली गेट जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जो भी हॉस्पिटल है, भाई मेरे को अच्छे से नाम नहीं है, नाम मेरे को सही से याद नहीं है, और अभी मामू पकड़ लेते हैं, मैं अगर थोड़ी सी हरकत कर देता ना यहाँ पे, अगर ओवर स्पीड होता है तो भाई जरूर पकड़ते हैं कुछ भी हो जाए, और अगर अभी पकड़े लेते हैं ना तो भाई समझो आधा घंटा हमारा गया और फिर मेरे को इतना सुनने के लिए मिलता बस क्या बताऊं। यहाँ पे तो हमेशा ट्रैफिक मिलता है इस वाले रोड पे को, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ निकालने की, इस वाली साइड से तो निकालना इम्पॉसिबल, तो मेरे को उस वाली साइड जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बस रुकती है ना ये। अब इस वाले रोड से तो मैं निकल जाऊंगा, आगे से यू टर्न लेना है तो उधर की साइड भी ट्रैफिक है तो वहां पे फंसना पड़ेगा फिर। एक बात तो है यार, बसंती हमारा साथ देती है, कहीं से भी चीर फाड़ करके निकल जाती है, छोटी सी जगह को भी निकल जाती है, और जब मैंने हैंडल में साइड में वो लगवाए हुए थे ना, जो भी बोलते हैं उनको साइड बार कुछ भी बोल लो भाई, मेरे को अब तक उनका नाम याद नहीं आया, मेरे को उनका नाम पता भी नहीं था, मैंने जहां से लगवाए थे उनको बोल दिया था कि वो लगा दो साइड वाले, थोड़ी सी जगह में को भी निकाल लेता हूं, वरना डर रहता था कि यार किसी की कार में ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए फिर बाद में। यू टर्न यहां से लेना पड़ता है, पता नहीं ऐसा कब होगा कि हम उस रोड पे को चलाएंगे जहां पे ट्रैफिक बिल्कुल ना मिले। कल जब बारिश आई तो बहुत बुरा हाल हो गया था, एक बंदे ने साइड में से इतना स्पीड से कार निकाला, हमारे पूरे कपड़े खराब एंड बसंती के भी हालात खराब, बड़ी कठिनाइयों के साथ कहां कहां से हमें बाइक को निकालनी पड़ रही है, इतनी सी जगह मिलती है जब बाइकर्स यहां से निकल रहे हैं इस वाली साइड से, अगर कोई बीच में फंस गया ना तो इधर आना भी मुश्किल हो रहा है उसका। तो यहां से निकलने के बाद काफी चौड़ा रोड आ जाता है तो वहां पे ट्रैफिक कम मिलेगा, मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहा है उनका, बस क्या करें अब, कॉल अगर पिक कर ली ना, आपको सच बताऊं तो ट्रैफिक में दिमाग खराब हो गया बिल्कुल भाई, इतना लंबा ट्रैफिक, मैप पे टाइम दिखा रहा था कि आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे और मैं फिर भी 45 मिनट्स पहले ही निकल गया था। बाय द वे कितना भी लेट हो रहे हो, बाइक को हमेशा आराम से चलानी चाहिए ऐसा हमारे बड़े बोलते हैं, और चलानी भी चाहिए सच बात है। वाओ कैसे पानी फेंका होगा बसंती ने अभी, सही बता रहा हूँ, अगर आज पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो हाल खराब हो जाएगा, आधा एक घंटा वहां पे चला जाएगा, मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है ना, यहाँ से चले जाए ठीक है, ओके ओके ओके। तो गाइज अब जाकर जान में जान आई है थोड़ी सी, बिकॉज बहुत मुश्किल से ट्रैफिक से निकले और यहाँ पे आने के बाद, अरे भाई क्या है, ओ माय गॉड, निंजा लेके जा रहा है बंदा, भाई क्या स्पीड है यार, साउंड सुनो आप लोग, पुलिस वालों के सामने ऐसे से निकाल रहे हैं, मेरे को तो बहुत खतरनाक साउंड आ रहे हैं, कितने सीसी है मेरे को नहीं पता ये, चलो साइड में लगाते हैं अगर निकल लग जाए। लुक एट दिस बीस्ट, ZX10R, आवाज नहीं आ रही क्या? यही खड़े हम गेट पे ही खड़े, अच्छा ठीक है बस एक सेकंड रुक जाओ, बस आ लिया। बाय द वे साइड में खड़ी है ZX10R, ये बंदा देखना अभी कैसे निकालेगा साइड में से। अब मेरे को यहाँ पे देखना है गेट नंबर 8 किधर है, गेट नंबर 8 पे इसको छोड़ना है, उसके बाद टेंशन फ्री घर पे जाना है भाई, टेंशन खत्म हो जाएगी फिर। टेंशन इस चीज की नहीं है कि ये मेरे पास है, टेंशन इस चीज की है कि वो वहां पे वेट कर रहे हैं और वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको गोलियां दे रहा हूँ जब से, मतलब गोली पे गोली है कि आ लिया। अब क्या कर सकते हैं गाइस, ट्रैफिक ही इतना मिल जाता है कभी कभी। भैया गेट नंबर 8 किधर है? गेट नंबर 6 तो ये आ जाओगे, ओके भाई थैंक यू। तो फाइनली गाइस गेट नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम,
ला देते हैं। आगे 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 ये हेलमेट भी मेरे को ही खींचना पड़ेगा। तो अब जाकर मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला है, वो इसलिए बिकॉज वो अभी तक हमारा वेट कर रहे थे एंड वो हमारे मोहल्ले में से ही थे। यार इस साइड तो बहुत ज्यादा पुलिस वाले मिलते हैं, सच में डर लग रहा है। आपको हर मोड़ पे कई पुलिस वाले मिलेंगे भाई। तो अब मेरे को वो वाला रोड मिल चुका है, यहाँ पे बहुत कम पुलिस वाले रहते हैं, इस वाले रोड पे बहुत कम मिलते हैं एंड पीछे तो हर मोड़ पे दो दो तीन तीन, और जब रुकते हो ना ट्रैफिक में तब भी चेक करते हैं। और मेरे साथ एक बहुत तगड़ा सीन हो चुका है, मेरे को बाइक रोकनी पड़ेगी, अगर मैंने ना रोकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मेरे साथ कभी भी हो जाता है, अब इसका सॉल्यूशन भी मेरे को निकालना पड़ेगा। ये देखो कहाँ पे फंस गया है। मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही ये वाले शूज पहन के आ गया था, इनको मैं नॉर्मल यूज मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, वो इसलिए पीछे बैग में हेलमेट रखा हुआ है एंड बैलेंस नहीं बन पा रहा, कभी इधर जा रहा है वो कभी इधर जा रहा है। मेरे को रिएक्शन लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कोई भी बंदा देखता है ना जब नोटिस करता है तो मैं उसके सामने तो भगा देता हूँ जो कि नहीं करना चाहिए, बट मेरे को मजा आता है सच में। तो अभी पेट्रोल पंप पे जाने का टाइम आ चुका है, लो फ्यूल लेवल दिखा दिया, बस लो फ्यूल लेवल दिखाया और सीधा पेट्रोल पंप। तो आज हम पावर वाला डलवाएंगे, उससे पिकअप थोड़ा हाई रहता है। पावर वाला हाँ, 1000 का पेट्रोल आ जाएगा, बट इसमें आ गया। एक बार पेट्रोल फुल कराने के बाद तो टेंशन फ्री हो जाते हैं एंड जैसे लो दिखाता है ना फिर टेंशन रहती है कि यार जल्दी पेट्रोल डलाओ, अगर कहीं पे खत्म हो गया ना तो यहाँ पे तो बोतल में भी देते हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बाइक में पंचर हो चुका, तो मैं बाइक को साइड में रोकता हूँ। यार यहाँ पे तो रोक भी नहीं सकते, बस आती है ना इधर, तो यहाँ पे रोक के देखते हैं कि बाइक में कुछ हो तो नहीं गया। बसंती, बाय द वे मेरे को ऐसे ही फील हो रहा था, वहां पे रोड खराब था शायद इसलिए ऐसा लग रहा हो। तो अगर आप बसंती के हालात देखोगे, देखो भाई कितनी गंदी सी हो रही है। पता है क्या, कल मैं बारिश में लेकर गया था इसको, मतलब ये बारिश में वॉश हो जाएगी, बट मेरे को क्या पता था कि इतनी ज्यादा मिट्टी आ जाएगी इस पे। तो अब चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा देर तक हम नहीं रुकेंगे, बिकॉज जाके काम भी करना है, बहुत सारे काम है भाई। कुछ इस तरीके से निकालता हूँ जब मेरे अंदर पावर रहती है एंड बसंती के अंदर। अब देखो भाई इंसान के अंदर भी तो पावर रहनी चाहिए ना, आजकल तुम्हारा भाई पावर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता, समझ रहे हो ना। इस वाले फ्लाईओवर पे आने के बाद दो तीन रोड दिखते हैं, बहुत मस्त ऐसा लगता है हम बहुत अच्छी जगह आ गए। देखो आप लोग देखो कितना मस्त लग रहा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई यहाँ पे तो, आज बहुत बुरा हाल हो रहा है। अंकित शर्मा, तो मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, स्टूडियो से बात कर लेता हूँ। हेलो, तो देखते हैं मोमोज कहाँ पे मिलते हैं, मोमोज का ऑर्डर आया है एंड अभी मैं स्विगी वाला बन जाऊंगा। बाइक में पता नहीं यार झे 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 इस तरह की आवाज आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैन पे जो स्प्रे लगता है वो नहीं लग रहा है, ये कुछ और दिक्कत हो सकती है, तो देखेंगे बाद में क्या दिक्कत आ रही है। हमारी बसंती गर्म हो गई, बट पिछले जमाने में मेरे पास ये शर्ट हुआ करती थी, एक स्कूटी वाले ने सीधा यहाँ पे ठोक दी भाई, मैंने उतर के देखा ये तो सही हुआ कि नंबर प्लेट नहीं टूटी। तो घर पे तो मैं आ गया था और रूम के हालात देखो क्या हो रहे हैं, बहुत बेकार सा रूम हो रहा है। और यहाँ से बाहर चलते हैं, बाहर आप लोग देख सकते हो जो मैं भी शूट करके आया वो सारा का सारा मैंने एडिट कर लिया, और अंकित भाई अब हेल्प करने वाले हैं, मैं अकेला रह गया अब यहाँ पे, छोड़ के जाने वाले हैं भाई कल मेरे को। बाय द वे आज तो अंकित भाई साथ में, कल मेरे को अकेले रहना पड़ेगा। तो हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल सोच रहे हैं कि हम कहीं अच्छी जगह जाएं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने, कहां पे चलना है कुछ आइडिया, चलो अभी नहीं बताते, आपको कल ही बताएंगे जहां पे भी जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो एंड बाय।